रिलीज हुई है। वैल्यू सेटिस्फाइड करा सकते हैं, हो सकता है एक्स की वैल्यू आप इमेजिन करें और वो सही बैठ जाए, ऐसा होता है ना कभी कभी हम अपनी तरफ से कुछ सोच लेते हैं चलो एक्स की वैल्यू ये होगी और वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन ये जरूरी है जितने परसेंट आपको कम करना होता है आप किसमें से माइनस कर दें, 100 में से परसेंटेज का डेटा आपको हमेशा किसमें से माइनस करना है, अगर प्लस करना है तो भी 100 में प्लस करेंगे और माइनस करना है तो भी 100 में से माइनस। तो अगर हम x परसेंट कम करेंगे, जैसे आप सोचो किसी संख्या को 10% कम करना होता तो 100 में से 10 माइनस करते ना और फिर हम कहते हैं कितना परसेंट निकालना होगा, तो सेम यहां पर कि आपने 120 को x परसेंट कम किया तो 100 में से x घटा लिया हमने, अगर अकाउंट में 100 नहीं लिखना है तो यहां पर केवल कितना लिख दो परसेंट, परसेंट का मतलब भी तो वही होता है अकाउंट में 100। 40 को कितने परसेंट बढ़ाया गया, फिर से x परसेंट बढ़ाया गया, तो आपको 100 में x जोड़ना है,
40 को x परसेंट बढ़ाया गया और परसेंट आप देखो पता है अपॉन में 100 लिखने का इसलिए कोई रीजन नहीं था क्योंकि आप अपॉन में 100 यहां भी लिख रहे हो और यहां भी लिखोगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहां पर भी परसेंट है तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, तो जितना घटाना है वो भी 100 में से माइनस करके मल्टीप्लाई किया जाएगा और जितना आपको बढ़ाना है उतना भी 100 में प्लस किया जाएगा। अब आपको यहां से वैल्यू मिलेगी, देखिए 40 से 120 कितने बार में कर सकता है, 3 बार। सॉल्व कर लिया, 3 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना देगा 3, माइनस का 3x हो जाएगा, भाई 3 का मल्टीप्लाई 100 और माइनस का x दोनों में किया जाएगा, इधर क्या बचा 100 प्लस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x में 3x प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, और ये 100 300 में से माइनस कर दो, 100 300 में से माइनस होगा 200 बचेगा, और x की वैल्यू आप निकालेंगे 4 से डिवाइड कर दो कितना आ गया। तो पहला स्टेप सॉल्व हो गया कि x की वैल्यू हमें नहीं पता थी वो हमने पता कर लिया, x की वैल्यू कितनी। अब आगे का सवाल दो स्टेप में, यहां से पहले x की, पहले स्टेटमेंट में तो x की वैल्यू ही निकाल पाया, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए आपसे कह रहा है 210 का x परसेंट 180 के x प्लस 20 परसेंट से कितना परसेंट कम, यही तो पता करना है। चलिए क्या ये दो सौ दस का कितना परसेंट निकालना है x, और यहां क्या करना है 180 का x प्लस 20 परसेंट निकालना है, दो काम ही तो कर रहे। x की वैल्यू कितनी लगानी, 50 लगानी, तो यहां पर अगर हम x की जगह 50 लगा लेंगे तो 210 का कितना परसेंट हो गया ये 50 परसेंट, यहां पर x की जगह अगर 50 लगाएंगे तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70 परसेंट। देखो आपको कोई ऐसा नहीं है, ओरिजिनल डेटा चाहिए, कितना कम है ये नहीं पूछा है, कितना परसेंट कम है यही तो पूछा है, तो आप इसको कैलकुलेट करने से बेटर ये होगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका 210 का 50% भी निकाल सकते हैं और 180 का 70% भी निकाल सकते हैं। 210 का 50% निकालेंगे कितना आ जाएगा, आधा होता है 50% कितना होता है 105 हो जाएगा, 180 का 70% निकालेंगे, देखिए परसेंट से दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई हंड्रेड, 100 में दो जीरो होते हैं दो जीरो कैंसिल करते हैं, 18 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होगा 126। अब आप बता सकते हैं ये वाली वैल्यू इससे कम दिख रही होगी, कितना कम दिख रही है आपको, ये वैल्यू कम दिख रही है कितना, किससे कम हो रही है 126, तो डिवाइड करना है किससे, मैंने क्या कहा कि आपको जिससे भी कंपेयर करना है उस वैल्यू को हमेशा नीचे लिखना है, ये वैल्यू इससे 21 कम है तो कंपेयर इससे हो रही है तो इसको नीचे लिखना है, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अब 21 का 126 में 6 बार पूरा चला जाएगा तो ये हो गया 1/6, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितने लिखाई थी 16 सही 2/3%। नोट मत करना, पहले एक बात समझना, जब आपको परसेंटेज में कंपैरिजन दे रहा है तो ये वैल्यू बिल्कुल मत निकालना कि आपको 105 निकालना कंपलसरी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होंगी जहां ओवर कैलकुलेटिव भी होगा, आप इनका रेशियो निकालेंगे बस, तब भी आपके आंसर पे कोई परसेंटेज में थोड़े ना फर्क पड़ जाएगा। अब आप देखिए परसेंटेज दोनों साइड में कट जाएगा, 10 10 20 20, आना भाई आप देखो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, पहली बात इसको छोड़ो, ये 7 से 21 कितने बार में कट जाएगा 3 से 18 कितने बार में कटेगा 6 बार, यानी कि जो रेशियो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, यहां 5 आ रहा है और यहां कितना आ रहा है। अब हमारा सवाल सिर्फ इतना बचा है कि हमें ये बताना है कि 5 6 से कितने परसेंट कम होता है, तो अगर हम बात करें 5 6 से कितना कम है और कंपेयर हो रही है किससे, तो 1/6 का परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू आपको लिखा रखी है कितनी होगी 16 सही 2/3। ठीक है, सवाल 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है, यहाँ पे तो बराबर का बहुत आसान कर लिया कैलकुलेशन, दोनों को लिख लो जो बात होगी, एक तो 250 का x प्लस 20% है 250 कितना, इसके बाद इसका कितना x प्लस डिवाइडेड बाय 220 के कितना परसेंट है x परसेंट। मैं पता है इन दोनों का रेशियो अगर निकाल लो तो काम चल जाएगा, आप x की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको बोला गया ना 25% ज्यादा है पहले वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से कितने परसेंट ज्यादा है 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 का मतलब ये है अगर 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना
एक बटा चार ज्यादा होने का मतलब यही तो हुआ पांच बटा चार हो गया। पहले वाली वैल्यू ऊपर लिख दी थी और बाद वाली वैल्यू, क्योंकि पहले वाले की तुलना हम बाद वाली से कर रहे हैं, तो जिससे तुलना करते हैं उस वैल्यू को हमेशा नीचे ही लिखते हैं। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, परसेंटेज तो दोनों में ही आ रहा है तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल। और कुछ करते हैं, एक जीरो यहाँ भी है एक जीरो यहाँ। अब कुछ करते हैं, पांच से पच्चीस काटेंगे कितना बार आ जाएगा, अगर हम इसको दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ दो बार आ जाएगा, और इसको दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब कर लो मल्टीप्लाई, पांच एक्स और बीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सौ, ये वाला दो भी तो इधर ही मल्टीप्लाई होगा, तो दो का मल्टीप्लाई करें पांच से कर दो, ये वाला दो इधर पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दस एक्स और प्लस दो सौ। अब यहाँ क्या है ग्यारह एक्स बनता है, सामने को कुछ है नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ देखो ग्यारह है, तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली कितना आ रही है दो सौ के बराबर आ रही, तो एक्स की वैल्यू पता लग रही यहाँ से कितनी आ रही है दो सौ आ रही। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, एक्स प्लस पचास का 10% और x का 15%, ये कितना परसेंट है यही तो बताना है। तो दूसरी चीज ये है आपको परसेंटेज बतानी, देखो मैंने एक ही बात कहा परसेंटेज निकालना है तो किसकी परसेंटेज निकालना और कंपेयर किससे, ये वाली जो वैल्यू है इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस बार ये थोड़ा ना बताना है कितना कम है या कितना ज्यादा है, सिर्फ ये बताना है ये पहले वाली वैल्यू बाद वाली का कितना परसेंट है। करते x की जगह 200 लगा दी तो 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, अगर 200 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, आ गया 10%, 250 का कितना परसेंट है 10%, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लेंगे, x का 15%, x हमारे पास 200 है तो यहां पर लिखेंगे कितना परसेंट 15%, और अभी भी इसको परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना होगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का कितना परसेंट है ये निकालना है आपको, कर लीजिए सॉल्व, परसेंट से परसेंट कैंसिल, दो जीरो यहाँ भी और दो जीरो यहाँ भी कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा ऊपर पांच से ये वाला कटेगा तीन बार में और पांच से ये कटेगा कितने बार में पांच, पांच, तो हमारे पास वैल्यू कितने बचे, ऊपर पांच बच रहा है और नीचे कितना बच रहा है और इनटू में सौ है, अगर आप चाहें तो इसको दो से डिवाइड कर लो तीन बार और यहाँ दो से आ जाएगा पचास बार, तो हमारे पास आंसर आएगा 250 और डिवाइड किससे करना है 3 × 8 = 24, 3 का 3 बार यानी 83 सही, 1/3% हमारा सही आंसर है। दो सवाल ऐसे थे कि परेशान तो करते ही अगर किए नहीं पहले तो people.
अब देखो कुछ चीजें एक प्रकार की, जैसे आपने सोचा कि चलो हम इसको एक्स को 50% मान लें, तो जरूरी थोड़े ना है कि 50% आपने सोच लिया एक बार सही बैठ जाएगा, दो बार सोच जाए, लेकिन तरीका नहीं है। तुक्के में कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू फिट हो जाती है, कि आपने सोचा कि 120 को कितना परसेंट कम करें कि 40 को उतना परसेंट बढ़ाए और बराबर हो जाए। चलो इस वाले का एक तरीका बता दूंगा, ये सवाल नोट हो गया, ये पहला वाला, इसको चलो मैं एक बार बता सकता हूँ बस थोड़ा सा। पता है एक वैल्यू को घटाया जाए और दूसरी को बढ़ाया जाए और दोनों बराबर हो जाए तो वैल्यू पता है क्या होगी, वो वैल्यू उनका एवरेज होगी। जैसे अगर 120 को मैंने घटाया और 40 को बढ़ाया और दोनों को बराबर कर दिया किसी परसेंटेज में या फिर किसी भी प्रकार से मैंने बराबर किया तो वैल्यू इनका एवरेज ही होगी। अच्छा 120 और 60 का एवरेज कितना होगा, एवरेज का मतलब दोनों को आप ऐड करो, 120 और 40 को जोड़ेंगे तो 160 का आधा कितना होगा, यानी कि 120 को घटा के 80 बनाना होगा और 40 को बढ़ा के कितना बनाना होगा। लेकिन पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, अब जैसे आपने 120 को 40 कम किया तो आपको पता है 40 कम करेंगे तो 120 में कितना परसेंट बनेगा, 1/3। अगर हम इसको देखें तो कितने परसेंट आएगा, 33 ही है। तो 40 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो ये तो पूरा कितना परसेंट आ रहा है। तो देखो वैल्यू अगर आप देखेंगे कि नंबर में तो इक्वल है, 40 कम किया और यहाँ 40 बढ़ा दिया, लेकिन परसेंटेज में बराबर। और आपको यहाँ पर वैल्यू पता है क्या बोला है कि अगर इसको एक्स परसेंट कम किया जाए और इसको एक्स परसेंट बढ़ा, मतलब वो परसेंटाइल बराबर होना चाहिए, तो इसलिए दिक्कत होती है सवाल। अब सब सरल सरल वाले सवाल बचे, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बीमा पर, बीमा तो जानते होंगे इंश्योरेंस, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बीमा पर, 26% भोजन पर, 23% शिक्षा पर, 26% भोजन पर, 23% शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है, 19% मनोरंजन पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत 26,600 रुपए है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा के एक क्वेश्चन और लिखना, भोजन तथा मनोरंजन पर होने वाला कुल खर्च ज्ञात कीजिए, उसी में है, मतलब क्वेश्चन दो कर दिए, भोजन तथा मनोरंजन पर होने वाला कुल खर्च ज्ञात कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ी सी जगह छोड़ लेना, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10%
मासिक आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 25% मकान किराए पर खर्च करता है। अंत में 2700 रुपए की बचत करता है। उसकी वार्षिक आय 11 कीजिए। अंत में 2700 रुपए की बचत करता है। इससे पहले ये बोला शेष का 25% मकान किराए पर खर्च करता है। अंत में 2700 रुपए की बचत करता है। उसकी वार्षिक आय क्या कीजिए? वार्षिक बताया। कोई बात नहीं, एक महीने की इनकम निकाल लोगे तो एक साल की भी निकल आएगी। लेकिन क्वेश्चन एक व्यक्ति अपनी संपत्ति, हाँ दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% अपनी संपत्ति का 30% बड़ी बेटी को, अरे बेटी बेटी बेटे अंतर निधान को ऐसी बातें कर रहे हैं, और शेष का 40% छोटी बेटी को, बची हुई धनराशि को, तीन पुत्रों में बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र को, तो कुल संपत्ति क्या है? पहला वाला देखो बहुत सरल सा सवाल है। एक व्यक्ति सीधे सीधे आपको बता रहा है कि उसने कहां कितना खर्च किया है। पहला बोला है कि बीमा पे कितना खर्च किया उसने, अपनी इनकम में से बीमा पर 25% खर्च किया है। भोजन पर कितना खर्च किया है? 26%। शिक्षा पर कितना? 23%। अब जब आपको सारे खर्चे बता ही दिए अलग अलग, तो इसमें कुछ विशेष दिक्कत है? मनोरंजन पर कितना खर्च किया? 19%। अब पता है क्या, आप ऐसे समझ लो जैसे कोई आपको 100 रुपए दे और अलग अलग करके आपको सारे खर्चे बता दे, 25 रुपए बीमा पे खर्च कर दिए, भोजन पे इतना खर्च किया, शिक्षा पे इतना किया, तो ये परसेंटेज में तो 100% ही तो होता है टोटल। इसमें से अलग अलग इससे बता दिए कितना कहाँ खर्च किया, तो अगर आपसे कोई पूछे कुल खर्चा किया कितना इसमें, तो इन सबको ऐड कर सकते हैं ना। अगर कुल खर्चा निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 9, 23, 23, 7, 2, 9, यानी कि टोटल इसने खर्चा अभी तक कितना कर लिया? 93% तो ये खर्च कर ही चुका है। तो क्या पूरा खर्च हो गया है, कुछ बचा होगा? बचा होगा ना, क्योंकि इसकी जो इनकम होगी ना, जिसको हम लोग
रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल इनकम को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे कितने परसेंट से, अब 100% आपने कमाया था 93% खर्च कर लिया तो बचाया कितना, 100 में से 93 तो घटा सकते हैं, बचत आपकी सिर्फ कितने परसेंट की हुई, 7%। ठीक है, आपको ये बचत बता दी इन्होंने, इन्होंने बोला है कि बचत जो हो रही है ना वो 26,600 रुपए की हो रही है, तो ये जो 7% की वैल्यू है ये कितनी है, 26,600। तो अगर 26,600 रुपए 7% की वैल्यू, तो पहले 1% देखते हैं, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 × 3 कितना होता है 21, बचेगा 5 और 6, 7 का 8 बार, तो आपकी 1% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर है। अच्छा, इस सवाल में कोई मंथली और एनुअली बात ही नहीं की, मासिक वार्षिक कुछ बात हुई है क्या, नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपको उससे मतलब रखना ही नहीं। 1% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल इनकम बताइए उसकी कितनी है, तो आपको कितने परसेंट निकालना पड़ेगा, 100%। तो 100% निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, अगर 1% 3800 है तो 100% निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसकी इनकम कितनी आ रही है, 3,80,000, ये इसकी इनकम है। लेकिन कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना खर्च किया है, देखिए भोजन पे कितना किया है और मनोरंजन पर, तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो कितना खर्च हो गया, भोजन और मनोरंजन पर मिला के जो खर्चा किया है वो कितने परसेंट किया है, 45% ही तो किया। तो आपको फिर वैल्यू 100% की निकालने की जरूरत, अगर आपसे भोजन और मनोरंजन का खर्चा पूछ रहा है तो केवल भोजन वाला और मनोरंजन वाला जोड़ लो, 45% निकालो, 1% की वैल्यू तो पता है कितनी आ रही, 38। तो अगर 45% निकालेंगे तो 45 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किससे, 3800 से, ये काम आपका, मल्टीप्लाई कर लेना और देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा हो आपके। अब आगे वाला सवाल पढ़िए, इसमें और उसमें पहले डिफरेंस क्लियर करिए, क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस तरीके से इस सवाल में खर्चे दे रखे हैं क्या उसमें भी ऐसे ही खर्चे दे रखे हैं, कितना बचे हुए का है, बचत तो उसमें भी दे रखी, उसमें पता है एक लाइन आप देखो, जब पहला खर्चा उसने बताया, उसने क्या बताया कि 10% हमने कहां खर्च किया, शिक्षा पर। फिर अगली लाइन पढ़िए, जो बचा हुआ है उसमें से 20% उसने किस पर खर्च किया है, भोजन पर। तो शेष का मतलब पता है क्या हुआ, अब जैसे आप इस बात को समझिए, जैसे आपके पास यहाँ पर तो सीधा क्लियर था 100% आपकी टोटल इनकम थी, यहाँ इतना खर्च किया, यहाँ इतना खर्च किया, यहाँ इतना खर्च किया, टोटल खर्चा इतना हुआ, बचा कितना। लेकिन यहाँ पता क्या बोल रहा है, पहले ये बोला था कि 10% आपने खत्म किया तो बचा कितना परसेंट, तो अगली बार जो खर्चा है ना इसके कंपैरिजन में, यदि 90 में से आपने कितने परसेंट खर्च किया, 20%। अब 90 का 20% आप निकालेंगे तो 18 रुपए आते हैं, 90 में से कितना खर्च किया है, 18। तो या तो आप ट्री बना के कर लो, और वो मैं आपको सजेस्ट करता नहीं हूँ, ट्री बना के नहीं करना है, आप देखो एक सीधी सी बात, अगर ये शेष लगा के खर्चे दे रखते हो आपको सारे, तो एक तरफ लिखना इनकम यानी आय, और इसमें से जितने भी खर्चे वो घटा देना, जब आप खर्चे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप इनकम में से खर्चा माइनस करके बचत ही तो रह जाती है। सबसे पहले पहला खर्चा कितना परसेंट है, 10%। अब 10% की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होती है, 1/10। 1/10 अगर आप खर्च कर देंगे तो इनकम हमने यहाँ पर अपनी तरफ से एक्स माना, अब जल्दी से बता दो 1/10 खर्च करेंगे तो कितना रह जाएगा, भाई आपको पता है 1/10 कम करने के बाद वैल्यू बचेगी कितने। अब अगला खर्चा जो भी आप करोगे वो इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स में नहीं है, ये पूरा जो बचा हुआ पार्ट है जितना खर्च कर दिया वो रह गया, अब ये टोटल इनकम है आपकी, इसमें से खर्च कर रहे हो, अगली बार कितना खर्च किया आपने, 20%। अब 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 1/5। फ्रैक्शन नहीं पता तो डायरेक्ट भी आप कर सकते, 1/5 खर्च किया है, यानी 5 में से कितना खर्च किया, 4/5। आप बस इतना पढ़ लेना कि क्या जो खर्च किया है उससे पहले ये लिखा हुआ है कि शेष में से खर्च किया है या टोटल में से खर्च किया है, यहाँ तो टोटल में से खर्च किया, कि टोटल में से 26% यहाँ खर्च कर दिया, 23 यहाँ कर दिया, लेकिन इस सवाल में क्या है, हर एक लाइन के बाद लिखा हुआ है कि शेष का इतना परसेंट यहाँ खर्च हुआ। तो अगर ये शेष वाली कंडीशन है तो आपको जितने भी खर्चे हैं वो अलग अलग माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में कितना खर्च किया है, 25% कितना होता है, 1/4। अगर खर्च करेंगे तो 4 में से 1 कम हो जाएगा, ये बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव, कि हम जो बचे हुए जैसे डिस्काउंट दिया जाता है,
डिस्काउंट जैसे आपको दो डिस्काउंट किसी ने दिए, एक 10% एक 20%। अच्छा ये बात आप लोगों को बताओगे, क्योंकि मार्केट में जाके बहुत जगह आप सेल भी देखते होंगे और मॉल वगैरह में लिखा होता है 10% + 20% ऑफ। इस बात का मतलब क्या हुआ, मार्केट जाते हैं तो आप स्पेशली मॉल में 20% + 30% ऑफ ऐसा लिखा रहता है, कभी कभी 3-3 डिस्काउंट लिख दिए जाते हैं, कितने परसेंट ऑफ, इसका मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है। हाँ बस ये एक्चुअल में आपको लगता है ये 10% + 20% 30% डिस्काउंट है, नहीं, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 28% आएगा। ये केवल पता गुमराह करने के तरीके है, सबको थोड़ा ना पता ये 30% नहीं है। चलो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें पता लग जाएगा, अब जो नहीं पढ़ रहे उनको तो ये लगेगा 10% + 20% कितना होगा 30%। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि पहले वो आपको 10% कट ऑफ, जैसे 100 रुपए की चीज है 10% कम कर लिया तो कितना बचा, अब अगला डिस्काउंट 90 पे देगा। देखिए 100 पे देता तो ज्यादा जाता, अब 90 पे देगा तो कम जाएगा ना डिस्काउंट, भाई जितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी उतना ही डिस्काउंट क्या हो जाएगा। अब 90 पे 20% डिस्काउंट देगा तो 18 रुपए कम कर देगा, और 18 रुपए कम करेगा तो 72 रुपए, तो सेम यहाँ पर भी वही, पहले 10% खर्च कर लिया जो बचा है फिर उसके बाद उसमें से 20%, लास्ट में जाके बचत कितनी हुई 2700, तो यहाँ पर लिख दो 2700। अब अगर देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया, कोई अगर छूटा हुआ हो तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ये लगता हो कि हम 10% डायरेक्ट ही घटा सकते हैं, भाई 10% घटाओगे तो 90% तो बचेगा, तो 90% कितना होता है 90/100, 20% घटाएंगे तो कितना बचेगा 80/100, अगर आप 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा 75/100। जरा इन वैल्यू को देखो तो आएगा तो यही निकल के 4/5, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। अब आप मिला लो 9/10, 4/5 और 3/4, चाहे फ्रैक्शन में आप यूज कर रहे हो डेटा, चाहे आप परसेंट में, फ्रैक्शन में इसलिए बदल के मैं करा रहा हूँ क्योंकि कल को यहाँ पर लिखा होगा 11 से 1/9% फिर फंसोगे, आदत नहीं है क्योंकि आपको उस तरीके से करना। चलिए सॉल्व, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 9 × 3 कितना होता है 27, और 27 से अगर हम 2700 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा कितना बार x की वैल्यू आ गई 10 × 5 50, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 50 और 100 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, ये इसकी इनकम तो आ गई लेकिन ये इसकी मंथली इनकम है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ देखा मासिक आय, तो इसकी मंथली इनकम यानी कि एक महीने की कमाई है, जो इनकम आई है ये कितने महीने की आई है, और आपसे पूछा गया है वार्षिक आय, वार्षिक का मतलब एक साल में कितने महीने होंगे, तो अगर आपको एनुअल इनकम निकालनी है यानी कि पूरे साल की, तो आपको क्या करना होगा 5000 × 12, 5000 रुपए एक महीने कमाते हैं तो एक साल में कितना कमाएंगे आप 60,000। रेशियो से भी कर सकते हो, रेशियो से कैसे करोगे, अरे सक्सेसिव मैंने कहा जहां भी लगेगा वहां रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, तो यहां पर ये सक्सेसिव ही तो है, बचे हुए में से आप घटाते जा रहे हो या तो बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, बचे हुए में से अगर घटा रहे हो बढ़ा रहे हो तो आपको सक्सेस यहां पर रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इनकम लिखिए एक तरफ आय और एक तरफ लिखिए सेविंग, ठीक है, अब इनकम जो भी खर्च किया है अगर ये शेष वाली कंडीशन है, इस सवाल को मत करना है छेड़छाड़, केवल ये वाला सवाल होगा जिसमें शेष वाली कंडीशन लगी, पहले आपने खर्चा किया 1/10, 10% 1/10 ही तो होता है, तो 10 में से 1 घटाया यानी कि बचा कितना हमारे पास, फिर आपने खर्चा कितना किया 1/5, तो 5 में से 1 खर्च किया 4, फिर आपने खर्चा किया 1/4, 4 में से 1 3। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 से तो 4 कट जाएगा और कुछ काटना है नहीं, तो 10 × 5 हो गया 50 और 9 × 3 कितना हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन है आपकी तो आपकी अगर इनकम 50 रुपए होगी तो बचत कितने रुपए की होगी, अब बचत 27 रुपए की है नहीं, बचत कितने रुपए की है 2700 की है, यानी 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आपकी इनकम भी 50 नहीं होगी, 50 में 2 जीरो बढ़ा दो इनकम कितने रुपए हो जाएगी 5,000, या फिर ऐसे समझ लो 27 की वैल्यू 2700 तभी हो सकती है जब आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया। एक लास्ट सवाल बचा है, क्या है वो थोड़ा सवाल, क्या बोला इस
इसमें थोड़ा सा अधिक देखा था। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति में से बंटवारा कर रहा है बच्चों के बीच में, तो इन्होंने बोला ये कि बड़ी बेटी को कितना परसेंट देंगे, 30%। चलिए इसको जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे टोटल संपत्ति इसकी 100% है, ठीक है, अभी तो मैं इसको इस प्रकार से, फिर आपको दूसरा बड़ी बेटी को कितना दिया, 30%। सबसे पहले जिसको पैसा मिल गया उसको हटा देते, बड़ी बेटी को 100% में से आपने हिस्सेदारी कितने परसेंट की दे दी, 30%। क्लियर है बात? अब जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है कितने परसेंट रह गया, 70%। इस बचे हुए 70% में से छोटी बेटी को भी दिया गया, कितना दिया है? अब जरा एक बात बताइए, 70 में से 40% का मतलब क्या 40 होगा? नहीं, 70 का 40% 40 नहीं होगा। अगर आप 70 का 40% निकालेंगे तो वैल्यू कुछ ये आएगी, जीरो तो कट जाएगा, 7 चौक 28। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी बेटी के हिस्से में कितने परसेंट आया, क्योंकि जो रह गया था 70%, उसमें से 40% निकाल के देखिए बचा कितना। बड़ी बेटी को 30% देने के बाद 70% ही तो बचा है, इसमें से 40% निकाल के किसको दे दिया, इस 70 में से 40% निकाल के किसको मिला है, छोटी बेटी को। तो अब बताइए कितना बचा, 70 माइनस 28 कर लेते हैं, 70 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचा, 42%। और ये 42% कितने बेटों में बांट दिया, तीन बेटे। अब तीन बेटे हैं, इनको 42% दिया गया, तो एक बेटे को कितना मिलेगा, भाई सीधी सी बात है, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, प्रत्येक बेटे को कितना रुपया दिया है, प्रत्येक का मतलब जितने भी बेटे हैं इनके, हर एक बेटे को बराबर पैसा मिला है 6,700। अगर बराबर मिला है, अब जैसे लास्ट में जाके जब हमने देखा तो 42% पैसा बचा है और बेटे कितने, सबको बराबर देना है। अगर इन सबको बराबर देना है तो आप बताइए एक बेटे को कितना देना पड़ेगा, तीन बेटों को 42% मिल रहा है तो एक बेटे को कितना देंगे, जो इनका एक बेटा है हर एक बेटे को हिस्से में कितने परसेंट पड़ेगा, 14। लेकिन सवाल में कुछ और होता है, कितना होता है, 6,720 रुपए, यानी कि जो एक बेटे के हिस्से में पैसा आ रहा है वो 6,720 रुपए है ना, तो 14% की तो वैल्यू हुई। करते हैं सॉल्व, 7 से काटिए, 7 का 2 बार 7 से कट जाएगा, ये 7 × 9 = 63 और 7 × 6 = 42, 960 हो गया 2% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 480। 960 का आधा करेंगे तो 1% के बराबर वैल्यू कितनी आती, 480 रुपए। ये एक तरीका था। अब पता क्या है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप पता लगा यहाँ से निकाल रहे होगे कोई ऐसा डेटा और ये पूरा कटेगा ही नहीं, जैसे यहाँ पे तो पूरा कैंसल आउट हो गया, ठीक है 28 आ गया सीधा। कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कटे वैल्यू, या हो सकता है ये 3 से ना कटती है वैल्यू, तो उस केस में क्या करोगे, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। 1% की वैल्यू 480 रुपए है, तो टोटल हमने कितना संपत्ति बांटी थी, 100%, तो 480 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो संपत्ति कितनी हो गई। ये तरीका बेस्ट पता है क्यों है, अब अगर आपसे यहीं पे ये पूछ लिया जाता छोटी बेटी के हिस्से में कितना पैसा आया, तो आप सीधे निकाल देते कितने परसेंट, 28%। अगर आपसे पूछा जाता बड़ी बेटी के हिस्से में, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है 30%। ठीक है, नोट करो, ठीक लास्ट बात और करेंगे इसी सवाल में, फिर ये चीजें खत्म। संख्याओं पे नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने ना तो नंबर सिस्टम में कराए थे, ना परसेंटेज में कराऊंगा, ना अभी तो उसके में बिल्कुल अलग क्लास हो गए, उसमें केवल नंबर पे बेस्ड संख्याओं से रिलेटेड जैसे सवाल बन सकते हैं, चाहे वो एवरेज के हुए, चाहे वो आपके परसेंटेज के हुए, सब नहीं आपके नंबर्स के क्या है, वो तो हर चैप्टर में सवाल आ ही जाते हैं।
साल अभी लगेगी नहीं, वो बाद में लगेगी। ये पहले वाले दोनों सवाल है ना, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के आपको सवाल देखने को मिलते ही होंगे। ये बहुत बड़े एग्जाम का सवाल थोड़े ना, ये एसएससी जीडी में है वो सवाल है, मतलब इतना बड़ा एग्जाम नहीं कह सकते ना जीडी का, लेकिन फिर भी अच्छा लेवल रहता है जीडी का। मुझे लगता है कि एसएससी करा थी इसलिए अच्छा रहता लेवल। अच्छा, हर वो पेपर अच्छा रहेगा जिसमें शिफ्ट ज्यादा होगी। आप ये बात समझो, शिफ्ट ज्यादा होने का पता क्या है? अब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप पेपर देखेंगे तो कितनी शिफ्ट में मैक्सिमम होता है? अभी तक तो चलो 4 शिफ्ट में होता था, अब इस बार 10 शिफ्ट में होगा। इस बार ज्यादा दिन मतलब डेट बढ़ा दी ना, 5 दिन में होगा ना सर पेपर, हाँ तो 10 शिफ्ट हो गई। लेकिन एसएससी जीडी का 60 से 70 शिफ्ट में पेपर होता है, ज्यादा ही होते होंगे कम भी होते होंगे। इतने दिन तक पेपर चलता है, एक दिन में 4-4 शिफ्ट करा रहे, तो उससे पता है अब जैसे परसेंटेज आता है डेली, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन चाहिए, तो 80 शिफ्ट है तो 80 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, परसेंटेज भी सेम तो रख नहीं देंगे सबने, तो करना क्या करें, लेवल थोड़ा सा एडवांस करना पड़ता है। इसीलिए जिनका पहले पेपर पड़ता है ना ऑनलाइन एग्जाम में, वो फायदे में रहते हैं, उन्हें नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिलता है, उसके अलावा पेपर का लेवल भी ठीक आता है, क्योंकि लास्ट वाले जो पहुंचते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है सबसे ज्यादा जीके में। अब आप सोचो कि जैसे क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि हाँ मुझे क्वालिटी से 2 क्वेश्चन रहने चाहिए, स्टार्टिंग के शिफ्ट में जो जनरल क्वेश्चन है जिन्हें हर कोई जानता है पढ़ता है वो रख दिए, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते क्वेश्चन खत्म हो गए, तो अब क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। मुझे पता नहीं जीके के बारे में, भाई मुझे नहीं पता है। वैसे तो स्टैटिक जीके आती है एसएससी में ज्यादातर। इस वाले सवाल को जरा एक बार देख लो, जैसे ये वाला सवाल किया था ऐसे ही कर सकते हैं टोटल एकदम निकालने के लिए। आपने नोट कर लिया पहले ये बताइए? यस सर। ठीक है, अब देखो पता है क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम इस सवाल को, क्योंकि सेस तो इस वाले में भी लगा हुआ है, एक जगह सेस लगा हुआ है या नहीं है? ठीक है, संपत्ति को पता है नहीं किसी कितनी है इनके पास, देखो एक संपत्ति है उसको बंटवारा किया है, पहले इन्होंने अपनी बड़ी बेटी को कितने परसेंट दे दिया था, 30%, बड़ी बेटी को 30% दिया, तो संपत्ति एक्स मान लेते 30% माइनस कर दे रहे हैं। अगर आप 30% बड़ी बेटी को दे देंगे तो कितना बचेगा, उसके बाद बचे हुए में से छोटी बेटी को कितना दिया, कितना परसेंट, छोटी वाली बेटी को 40% दे दिया, तो 40% माइनस करेंगे कितना बचेगा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक लाइन जुड़ी हुई है, शेष का 40% छोटी बेटी को दिया गया, शेष लिखा हुआ था लेकिन इसके बाद नहीं लिखा है, जो भी पैसा बचा है कितने बेटों में बांट दिया, और एक कितना लेके गया, 6720, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं तीनों को मिला के जो रुपया मिला है 20,160, तीनों को मिला के कितना मिला है 20,160, तो बचा हुआ पैसा तीनों के पास ही तो पहुंचा है,
बड़ी बेटी और छोटी बेटी को पैसा बांटने के बाद जो बचा है वो इन तीनों बेटों में एक को कितना मिला है? 6,700। तो तीनों को मिला के कितना मिला होगा? 20,000। इसका मतलब ये जो इन दोनों का पैसा है, इनको देने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो उन तीन पुत्रों में बांट दिया गया था, और तीनों पुत्रों को मिला के जो पैसा मिला है वो कितना है? देखिए, बड़ी बेटी का पैसा घटा दिया, छोटी बेटी का भी पैसा घटा दिया, तो बचा किसका? तीन पुत्रों का ही तो पैसा बचा है, और तीनों बेटों को मिलाकर इतना ही रुपया मिला है। हिसाब किताब कर लो आप इसका, जीरो कट जाएगा, 7 से काट ले, 7 का 2 बार 14 हो जाएगा, 6, 7 × 8 56, 7 × 8 56, 6 से भी कटेगा फिर ये, 6 का 4 बार 24, 6 का 8 बार 48, 480, और यहाँ बचा 100, 480 का 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 480 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल संपत्ति हमारी कितनी आ जाएगी? बस थोड़ा सा दिमाग लगा था, लास्ट में कर तो सकते थे। जल्दी बता दो मिनिमम मार्क्स क्या होता है? 33%। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ये मत सोच लेना जीरो नंबर सबसे कम होता है, तो पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं न्यूनतम, इससे कम में पास नहीं हो पा रहे। और दूसरा होता है एक मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम, अधिकतम अंक पता क्या होता है? उस परीक्षा का पूर्णांक यानी टोटल, भाई जितने का टोटल होगा क्या उससे ज्यादा नंबर ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ला सकते हो? जितना टोटल है, और अगर आप पूरे नंबर लेके आते पूरा स्कोर करते तो वो कितने परसेंट हो जाता है? 100%। तो अधिकतम अंक के लिए तो 100% रिजर्व है, लेकिन न्यूनतम अंक हर सवाल के अनुसार अलग अलग हो सकता है, कि सवाल की कंडीशन क्या है, वहां पर कितने परसेंट पास कराए गए वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। अच्छा, अगर कोई विद्यार्थी 15 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, अगर 15 नंबर से फेल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसके 15 नंबर कम है ना, फेल होने का मतलब क्या है? जितने में पास होना था उससे इसके 15 नंबर क्या है? कम। ठीक है, तो जरा सवाल देखो खींचा, फिर आप समझ जाओगे कैसे सवाल आ रहा है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंकों की आवश्यकता होती है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंकों की आवश्यकता होती है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंकों की आवश्यकता होती है, एक छात्र 42% अंकों की आवश्यकता होती है,
एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, 36% अंक प्राप्त करता है और सत्ताईस अंकों से फेल हो जाता है परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक या पूर्णांक एक ही बात है, कोई एक अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी परीक्षा को पास करने के लिए पैंतीस प्रतिशत अंकों की 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 175 अंक प्राप्त करता है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 175 अंक प्राप्त करता है, और 35 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन और लिखने आपको, देखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, और 50 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करता है, और वह न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अरे रुक तो जाओ, इसमें तीन क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन हो गया परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दूसरा लिखिए पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है, तीसरा क्वेश्चन लिखिए इसी में
पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, कितने, दोनों में अंतर समझो पहले। एक में पूछा कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए और एक में पूछा कितने परसेंट चाहिए। परसेंट और नंबर का कोई रिलेशन सेम थोड़े ना होगा, अलग अलग होता है ना। तो परसेंट अलग चीज है और नंबर अलग चीज है। एक परसेंट में दो नंबर भी हो सकते हैं, तीन नंबर भी, और टोटल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला सवाल, पहले सवाल में क्या था, पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। सॉरी, आपको पास होने के लिए 42% नंबर चाहिए। इस परीक्षा में अगर 42% नंबर आएंगे तभी तो पास होंगे। लेकिन कोई विद्यार्थी ये कह रहा है कि इसने कितना स्कोर किया है, कितना, 36%। अब विद्यार्थी के जो नंबर आए हैं कितने परसेंट आए, पर पास होने के लिए कितने चाहिए, तो इसके नंबर तो कम रहेंगे भाई। अगर हम यहां से कंपेयर करें तो कितना अंतर है भी? यानी कि टोटल नंबर का 6% डिफरेंस है इन दोनों के बीच। इसके हैं 36% और चाहिए कितने, तो हम कह सकते हैं कि पास होने के लिए और कितने परसेंट नंबर चाहिए थे इसको, 6% और चाहिए तभी तो पास होगा। लेकिन सवाल में कुछ बोला गया है, ये फेल हो गया। 36% नंबर लेके आया लेकिन क्या हो गया, फेल हो गया। कितने नंबर से, 27 नंबर से फेल होने का मतलब यही तो हुआ कि 27 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। या फिर आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है पास होने के लिए उससे इसके कितने नंबर कम है, 27 नंबर कम है। तो अगर कोई ये कह रहा है 27 नंबर से फेल है, तो इसका मतलब इसके नंबर, इसके जो अंक हैं 27 अंक कम है। ये विद्यार्थी पास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसके नंबर कितने कम रह गए, 27 कम रह गए। जितने से फेल उतने कम होंगे नंबर। और यहां पर परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंट कम है, तो 6% की वैल्यू कितनी होगी, 27 नंबर के बराबर होगी। अगर 1% आप निकालेंगे तो 27 को डिवाइड करेंगे किससे, अब 3 का 2 बार 3 का 9 बार, तो 1% बराबर कितना नंबर है, 4.5, 4.5 नंबर के बराबर 1% हो रहा है। अगर 27 नंबर पूरे करने के लिए 6% बन गए तो 1% में कितने नंबर होंगे, 4.5 नंबर होगा। अब अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम अंक का मतलब जितना टोटल होगा, तो परीक्षा का टोटल निकालने के लिए हमेशा कितने परसेंट चाहिए, तो 1% 4.5 है, तो अगर 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। आप 4.5, अरे भाई 1% की वैल्यू 4.5 नंबर के बराबर हो रही, तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, 4.5 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी। तो परीक्षा का जो टोटल है वो कितने नंबर का है, 450। लेकिन अब देखो एक बात समझो, अगर कल को ये पूछ ले कि विद्यार्थी को नंबर मिले कितने हैं, तो विद्यार्थी को नंबर कितने परसेंट मिले, तो आपको 36% की वैल्यू निकालनी है। 36 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4.5 से। कितना आ जाएगा, 36 × 4 = 144 और 18 = 152। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राप्तांक यानी कि उस विद्यार्थी के नंबर आए कितने थे, तो आपको वैल्यू निकालनी कितने परसेंट की, 36%। अगर पूछा जाए पास होने के लिए कितने चाहिए थे, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी, 42% की। आप ये मान लो कि ज्यादातर केस में यही पूछा जाता है कि परीक्षा का टोटल कितना था, 100% की वैल्यू पूछेगा। दूसरा सवाल बताइए क्या था, 35% एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए, कितना, 35%। यानी कि आप पास तब होंगे जब आपके नंबर कितने परसेंट हो, 35%। अब विद्यार्थी क्या कह रहा है, 175। विद्यार्थी के नंबर कितने आए हैं, 175 नंबर लाके क्या ये पास हो पाया, नहीं हुआ ना पास। तो पास नहीं हुआ होगा तो ये बताया हुआ कितने नंबर से फेल है, जितने नंबर से फेल है उतने जोड़ दे तो पास हो जाएगा। भाई फेल होने का मतलब नंबर कम है ना, तो जितने नंबर कम है उतने जोड़ दो तब तो पास होगा। 35 नंबर से फेल हुआ तो 35 इसमें क्या कर दो, जितने नंबर लेके आए हो आपके नंबर जितने कम हो रहे हैं उतने नंबर इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 175 नंबर लाने के बाद 35 नंबर कम रह गए पास होने के लिए, तो 35 इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर हम 35 इसमें जोड़ लें तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 210 नंबर चाहिए। तो इसका मतलब
अगर आपके नंबर 210 होते तो आप पास हो जाते। फिर से समझो, 175 नंबर लाने में कोई पास तो हो नहीं पाई, क्योंकि ये 35 नंबर से क्या हो गया, अब 35 नंबर से फेल है, तो 35 नंबर ऐड करेंगे तब तो पास हो जाएगा। 35 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, परसेंटेज में कितना चाहिए, तो 35% की वैल्यू कितनी होगी, 210। 35% की वैल्यू 210 है, तो 7 से डिवाइड करो 5 बार, 5% की वैल्यू कितनी होगी, अब 5 से 30 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1% कितना हो गया। क्या पूछा है आपसे, टोटल मार्क्स पूछा है आपसे, तो परीक्षा का टोटल जो रहता है वो कितने परसेंट का रहता है, 1% 6 है तो 100% कितना होगा, 600। तीसरे वाले सवाल में देखो, आपको दो विद्यार्थियों का डेटा दे रखा है, एक विद्यार्थी का दे रखा है, फिर बाद में एक दूसरे विद्यार्थी का। अब जैसे आपका कोई पेपर हो रहा है सब लोगों का, तो जितने में आप पास होंगे उतने में तो दूसरा विद्यार्थी पास होगा, पास होने के लिए तो दोनों लोगों को बराबर ही नंबर चाहिए, तो दो विद्यार्थियों का डेटा दे रखा है। आप पता क्या किया करो, आप केवल ये कोशिश किया करो कि ये विद्यार्थी कितने नंबर में पास हो रहा है, अगर नंबर कम होंगे तो जोड़ लेंगे, और नंबर ज्यादा होंगे तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जितने नंबर कम रह जाए उतने प्लस कर लेना, जितने नंबर ज्यादा हो उतने क्या कर लेना, दो काम केवल कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी बताइए क्या बोल रहा है, 40% नंबर आए पहले विद्यार्थी के, अब आप बताइए 40% नंबर लाके क्या ये पास हो रहे हैं, कितने नंबर से, तो नंबर इसके कम है, नंबर इसके कम है या ज्यादा है, 50 नंबर इसके नंबर कम है, तो अगर 40% नंबर लेके आया है तो ये 50 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब इसके 50 नंबर क्या है, जितने नंबर कम है उतने नंबर आप इसमें क्या रखो, तो 40% नंबर लाने के बाद भी 50 नंबर कम जाएंगे, 50 जोड़ लिया आपको ये पास हो सकता है। दूसरा विद्यार्थी क्या कह रहा है, दूसरा विद्यार्थी कह रहा है इसके नंबर कितने परसेंट है, लेकिन ये जो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे भी ज्यादा लेके आया है, कितने नंबर ज्यादा लेके आया है, तो नंबर ज्यादा लेके आया तो क्या कर ले, कितने नंबर ज्यादा लेके आया है, तो आप देखो दो बातों को ध्यान देना, जितने नंबर कम हो उतने प्लस करना है, जितने नंबर ज्यादा हो उतने क्या करना है, तो पहले विद्यार्थी के नंबर कम है क्योंकि ये फेल हो गया 50 नंबर से, दूसरे के ज्यादा है 40 नंबर, ये सब बोल दिया गया, तो जितने ज्यादा है उतने माइनस कर लो, जितने कम है उतने क्या कर लो। अब ये बताइए कि दोनों विद्यार्थियों के लिए पास होने का जो क्राइटेरिया होगा वो बराबर नहीं होगा क्या, जितने में ये कहेगा पास हो रहा हूँ उतने में तो ये पास हो रहा होगा, तो दोनों को आप इसमें क्या कर लेना, बस इतना काम कर लिया तो आप समझ में आ जाएगा। 40% 50 में से माइनस कर, कितना बचा, माइनस का 40 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 50 में 40 जोड़ने का कितना आ जाता है, यानी 10% के बराबर कितने नंबर हो गए, 0 से 0 काट लेते हैं, 1% कितने नंबर के बराबर होगा, 1% की जो वैल्यू है वो कितने नंबर के बराबर होगी। अब आपको जो भी निकालना है आप समझ में, इन्हीं सवाल पूछे जाते हैं, तीनों ही आपको करा देता हूं। पहला क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछा जाएगा टोटल यानी पूर्णांक कितनी है, परसेंटेज जब भी टोटल पूछा जाए तो कितने परसेंट निकालोगे, 1% 9 नंबर के बराबर है तो 100% कितना होगा, उसको सिंपली कैलकुलेट किया करो। आप अपने 10th और 12th का ही देखो, 10th में आपके पास सब्जेक्ट कितने थे, 6 तो 600 का टोटल था, 600 का टोटल था क्योंकि एक सब्जेक्ट 16 था। जब 12th में आए तो सब्जेक्ट कितने हो गए, 5 हो गए, तो 500 का टोटल। तो यहाँ पर अगर 9 नंबर में 1% हो रहा है, वहाँ पर जब आप 10th में थे तो 1% की जो वैल्यू थी वो कितने नंबर के बराबर थी, 6 नंबर, और जब 12th में आए तो 1% की वैल्यू, तो टोटल तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे कितने, 100% की वैल्यू कितनी आ रही है। प्रॉब्लम है बाकी दो सवाल, सेकंड वाला जो था और जो थर्ड वाला, आप ये बताइए दोनों में मैंने यही पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने नंबर थे, यही तो पूछा है, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक थे। देखिए एक में चाहिए कि कितने नंबर में पास हो गए, और दूसरे में आपको बताना है कि पास होने के लिए कितने परसेंट थे। यहाँ पर बताना तो है
इतने नंबर पे पास हो रहा है, लेकिन यहाँ आंसर देना है किसमें परसेंट में, और यहाँ आंसर देना है किसमें नंबर में। जैसे मैं अभी बताया गया कि अगर आप टेंथ में बात करें तो 12 नंबर बराबर होता था 2%, तो यहाँ भी 1% की वैल्यू 9 नंबर के बराबर होती है, 9 मार्क्स किसके बराबर होते हैं। तो जरा देखो न्यूनतम अंक हम कैसे बताएं कितने में पास, कोई भी परीक्षार्थी का डेटा उठा चाहे पहले वाले का चाहे दोनों पास है ना अभी, इसका डेटा उठा दें, प्लस वाला ज़्यादा ईजी रहता है 40%, और प्लस में कितने नंबर हैं, तीनों में से कोई एक ही सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आप ये मत सोचना इतना लंबा हो, अगर टोटल पूछेगा तो ये दोनों नहीं पूछेगा, अगर न्यूनतम अंक पूछेगा तो ये दोनों नहीं पूछेगा, परसेंटेज में पूछेगा तो ये दोनों नहीं पूछेगा, इतना तो करना ही है 1% में वैल्यू कितनी है। अब देखो पास होने के लिए 40% वाले का कहना ये कि 50 नंबर और जोड़ो तब पास होता है, और हमें आंसर देना है किसमें, जब आपको अंक में आंसर देना है तो आप पता क्या करेंगे, जो परसेंटेज है ना इसको नंबर बनाएंगे, 1% में कितने नंबर हैं, 40% की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। हमने क्या किया 40% को भी नंबर में चेंज कर दिया, क्योंकि 1% में 9 नंबर है, 40% में कितने नंबर हो गए 360 प्लस 50। अगर कोई आपसे पूछे इस सवाल में कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, नंबर चाहिए कितने, अगर ये 410 नंबर निकालने के लिए क्या इस टोटल का यूज किया हमने, तो टोटल निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर नंबर निकालने हमें बस ये पता होना कि 1% बराबर कितने नंबर है। अब तीसरे सवाल को तो मुझे ना तो इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, केवल मैं ये देखूंगा पास होने के लिए जो नंबर इन्होंने डिसाइड किए वो ये है 40% और प्लस। इस बार मुझे जो आंसर देना है ना वो आपको बताना तो है कितने नंबर में पास हो, लेकिन आंसर देना है कितने परसेंट, नंबर में तो 410 चाहिए, परसेंट में चाहिए आपको, जब परसेंट में चाहिए तो जो परसेंट में उसे चेंज नहीं करना, ये तो 40 पहले से परसेंट है भाई, ये वाला 40 तो परसेंट है, केवल बदलना किसे पड़ेगा 50 नंबर, क्या करेंगे 9 नंबर में 1% बन रही है, तो 50 को आप डिवाइड कर दो किससे 50 को 9 से भाग कर देंगे तो ये परसेंट बन जाएगा, ठीक है, तो आप देख लेते हैं कितना परसेंट आएगा, 40 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 9×5 5 और 5 ही से, यानी कि पास होने के लिए तो परसेंटेज में नंबर चाहिए 45 सही 5 बटा, तो अगर परसेंट बनाना हो तो परसेंट वाला छोड़ देना, जैसे नंबर पता है 50 नंबर और जोड़ने 50 लिया तो परसेंट बना लेंगे, 9 नंबर के बराबर 1% 9 से डिवाइड किया परसेंट बना है, अगर आंसर नंबर में देना है ये 50 नंबर में कोई छेड़ नहीं, 40% को नंबर बनाएंगे बढ़ने जाए टोटल तो आप
लिया अपने डेकोरेशन कर लिया क्लास में सुनिए।
20 को 5 बटा 4 से मल्टीप्लाई करके देखना चाहूँ तो आपको पता है आंसर कितना आएगा?
25। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा। लेकिन मैंने 5/4 की जगह मल्टीप्लाई किससे किया है? 4/5। तो आंसर आपको गलत आने वाला है। अगर मैं 20 को 4/5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 से या 4 बार, यानी कि जो आंसर है वो कितना आएगा? 16। अगर आप 4 और 5 का एलसीएम लेके कोई नंबर ले लिया आपने 20, ठीक है, अब उसका अगर आपसे कहा गया कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/4 से, तो आंसर कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। आना 25 चाहिए आंसर, लेकिन आपने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 से, जिससे आंसर आया कितना? तो आंसर हमारा कितने परसेंट गलत हुआ है, यही परसेंटेज एरर कहलाता है। तो परसेंटेज एरर जब भी निकालनी हो तो आप केवल इतना देखा करो आंसर में कितना कम चेंज हो रहा है, अंतर देख सकते हैं कितना आ रहा है दोनों आंसर में? 9 का, ठीक है। आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? और हमेशा नीचे सही आंसर लिखना है, तो हमारा सही आंसर कितना है? 25। तो सही आंसर 25 और मल्टीप्लाई अगर 100 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 36%। यानी कि जो हमारा एरर हुआ है वो 36% हुआ है। अब इससे मतलब नहीं आंसर कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, मतलब ये कितने परसेंट हमारा आंसर चेंज हुआ है। आंसर हमारा 9 चेंज हुआ है, 9 कम हो रहा था, कितने से? 25 से। तो अगर 9 की कमी 25 में निकालेंगे तो कितने परसेंट एरर होगी? 36% होगी। ये बहुत कॉमन सवाल है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में और 86% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए, 340 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो आपसे पूछ रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पर? अरे एक लाइन तो मिस हो गई, अभी तो आंसर नहीं आ रहा है, कुछ लोग आ गया होगा। ये तीसरे वाले का आ गया 10%, दूसरे वाले का है तभी अंदर है ना, तभी नहीं आ रहा। दोनों हम समझ रहे कुछ और 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे, सॉरी हम केवल फेल होने वालों की संख्या लिख रहे हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश में पास कितने हैं? तो फेल कितने हुए? 15%। अब आपसे अगर मैं कहूं दोनों में कितने पास हुए, फेल हुए, तो ये तो सवाल में दे रखा है, दोनों में फेल कितने हैं? दोनों में जो फेल है वो कितने परसेंट है? 10%। इन तीनों को मिला के एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? देखो एक चीज समझना, अगर मैं आपसे पूछूं आप मुझे ये बताइए कि फेल होने वाले एक्चुअल में है कितने, टोटल फेल कितने हैं? तो देखो एक चीज आपको बताया, मैथ और इंग्लिश में तो हमें पता है कितने कितने फेल हैं, एक में 20 और एक में 15। 20 और 15 कितना होते हैं? 20 और 15 कितना होगा? 35। अब थोड़ा आगे 20 और 15 तो 35 हो गया, लेकिन अगर हम बात करें आपसे दोनों विषय में ये 10% ये किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है ये 10% ऐसे लोग हैं ना जिनकी गिनती यहाँ भी है और जिनकी गिनती दोनों में इनकी गिनती है, इनकी गिनती मैथ में भी है और इंग्लिश में भी। तो दो जगह गिनती करने से क्या दो विद्यार्थी हो जाएंगे? एक विद्यार्थी 5 सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाए तो क्या हम ये कहेंगे क्लास में 5 बच्चे फेल हुए? कहेंगे तो ये एक ही बच्चा फेल है। तो ये दो सब्जेक्ट में फेल है, इनकी गिनती एक ही जगह होनी चाहिए। इनने अपनी काउंटिंग मैथ में भी करा रखी और तो हम पता है इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। दोनों बार माइनस मत करना, सिर्फ एक जगह से, या तो मैथ में मत गिनो या फिर इंग्लिश में मत गिनो। ऐसा नहीं है कि मैथ में भी गिना और इंग्लिश में भी। अगर आप मैथ में गिनेंगे तो इंग्लिश से हटा दो इनको, इंग्लिश में काउंट करेंगे तो मैथ से हटा दो। तो एक बार माइनस कर लेते हैं, यानी कि यहां पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 25। तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने? यहाँ पर कुछ गलत लिखते हैं,
इसे सही करते हैं, 360 कर लिया। अब ये बताइए फेल होने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट आ रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए इसी सवाल में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए तो कितने परसेंट है? अब पूरी बात समझ लो, अगर आपको ये डेटा दे रखा है इतने परसेंट इसमें फेल है, इतने परसेंट इसमें और दोनों में इतने, तो जो आपको फेल वाले कैटेगरी में इनको ऐड तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसको लास्ट में क्या करोगे? माइनस करोगे, तो पता लग जाएगा एक्चुअल में कितने फेल। अब इसी बात को आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक तरफ मैथ का डेटा लिख लो और एक तरफ इंग्लिश का। आपने कहा कि मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट और इंग्लिश में कितने परसेंट? अब जो 10% हमारे बीच में दोनों में कॉमन है, कितने परसेंट कॉमन है? 10% फेल मैथ में भी है और 10% फेल इंग्लिश में। ये दोनों में फेल है, इनकी गिनती दोनों साइड में है, मैथ्स में भी है, तो इनको बीच में हमने कॉमन कर दिया। अब जरा कुछ सोचो टोटल फेल कितने हैं? 20 में से 10 तो यहां है, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 10% पता है क्या है? अरे क्या कर रहे हो यार, बाहर ही रहते इससे तो बढ़िया। एक तो तुम्हें पढ़ना भी नहीं होता और पढ़ने भी नहीं देना होता किसी को। ये जो विद्यार्थी हैं, ये केवल और केवल किसमें फेल है? अब टोटल इंग्लिश में फेल कितने हैं? 15। लेकिन ऐसे भी तो विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ में भी फेल हुए हैं। इंग्लिश के साथ मैथ में फेल होने वाले कितने हैं? तो 15 में से 10 माइनस कर दो, यानी कितने बचे? ये 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल किसमें फेल हुए। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि केवल इंग्लिश केवल मैथ में कितने फेल हुए, तो ये कॉमन वाले माइनस करने पड़ेंगे। अब आप देखो सब डेटा सही हो गया, फेल होने वाले आप गिन लो, 10% और 10% कितना हो गया? 20 और 5 कितना हो गया? तो अगर आपसे पूछा जाए वास्तव में जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने परसेंट हैं, 25% यहां से दिया जाएगा। जो कॉमन है उनको बीच में लिख दिया। अब मैथ में 20 फेल हो रहे हैं, 10 कॉमन है, तो बचे कितने? ये 10 ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल है लेकिन इंग्लिश में फेल नहीं हो। 15 फेल हो रहे थे इंग्लिश में, 10 कॉमन थे, तो बचे कितने? तो ये 5 केवल अंग्रेजी में फेल है, ये 10 केवल मैथ में फेल है, और ये जो 10 है बीच में ये दोनों में फेल है, किसमें? इंग्लिश में भी हो। तो अब हमें फेल होने वालों की संख्या तो पता लग गई, पास बता दो कितने हुए। अरे फेल अगर 25% है तो पास कितने होंगे? इतना तो आप समझ सकते ना कि बचे हुए बच्चे पास हो गए, बचे कितने परसेंट? 25% फेल होने का मतलब ये कि पास होने वालों की संख्या कितने परसेंट होगी? 75% होगी। अच्छा मैंने लिखा है दोनों विषय में पास होने वाले 360 है, तो पास तो वही होगा जो दोनों में पास होगा। क्या एक सब्जेक्ट में पास हो एक में फेल हो तो उसे पास कहा जाएगा? तो जो दोनों विषय में पास है इसका मतलब ये विद्यार्थी हमें पास होने वाले बताएं। 360 विद्यार्थी पास हुए हैं परीक्षा में, तो 75% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 360। 75% की वैल्यू है हमारी 360। अगर हम इसको 1% की वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 360 और डिवाइड किससे करना होगा? 75। अगर 75% जो पास होने वाले कैंडिडेट है वो 360 के बराबर है तो 1% की वैल्यू 360 बटा 75 हो जाएगी, और टोटल विद्यार्थी निकालेंगे तो कितना परसेंट निकालोगे? 100%। तो 360 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100, आपको 1% का डेटा मिल गया। 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 का 3 बार और यहां 25 का कितना बार? 4 बार। 3 से 360 हमारा 120 बार में कट जाएगा। 120 इनटू 4 कितना हो जाएगा? 120 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 480। तो टोटल विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं वो कितने हैं? 480। तीनों चीजें पूछी जा रही है। कभी तो ऐसा होगा केवल ये पूछेगा फेल कितने हुए? 25%। कभी आपसे पूछेगा पास कितने हो रहे? 75%। संख्या देगा तो आपसे संख्या पूछेगा, आपसे कहेगा कि इतने विद्यार्थी अगर पास हुए तो टोटल विद्यार्थी कितने या फेल कितने हुए, वो सब चीजें पूछी जा रही है। ये सवाल आप अपने आप करोगे, ये होमवर्क है, ये करना है। टाइम देखो कितना हो गया, बस ये लास्ट सवाल कर लो। 65% सदस्य कॉफी पीते हैं, ठीक है, या पसंद करते हैं? उसके बाद आपसे कहा गया 48% सदस्य ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। इसे ऑफिस का डेटा है, ये किसी सर्वे में बता रहा, 65% सदस्य कॉफी पीते हैं
और 48% सदस्य क्या पीते चाय पीते। अब इन्होंने कहा कि ये कंपलसरी है, प्रत्येक सदस्य या तो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा या दोनों पिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाय या कॉफी में से कुछ भी ना पीता हो। ये तो बोल दिया कि चाय या कॉफी या दोनों, ऐसा कोई सदस्य नहीं, प्रत्येक लिख दिया। इसका मतलब 100% जो ऑफिस में काम करने वाले सदस्य हैं उनमें से चाय या कॉफी या दोनों पसंद करते हैं, ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो चाय कॉफी या दोनों में से कोई एक भी पसंद ना। तो अब 52 सदस्य चाय कॉफी दोनों पसंद। सबसे पहले आप बताइए कॉफी वाले कितने, कॉफी वाले कितने परसेंट है और चाय वाले 48%। चलो मैंने मान लिया कि प्रत्येक सदस्य चाय कॉफी खरीदता है, तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना परसेंट बनेगा? अगर आप 65 और 48 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 113% आएगा। और जबकि चाय और कॉफी पीने वाले अगर सब भी चाय कॉफी पी रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितने परसेंट लोग हो सकते हैं? भाई एक ऑफिस के सभी सदस्य मैंने मान लिया चाय कॉफी पीते हैं तो कितने परसेंट गिनती लगाओगे? अगर 10% नहीं पी रहे होते तो कितने परसेंट पीते? 90% पीते। लेकिन यहाँ पे तो हर सदस्य पी रहा है ना चाय कॉफी, तो हर सदस्य अगर चाय कॉफी प्रेफर कर रहा है तो इसका मतलब अगर ये प्रत्येक सदस्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो संख्या आनी चाहिए वो कितने परसेंट आनी चाहिए? 100% आनी चाहिए। लेकिन आप सोचो यहाँ पर संख्या आई कितनी है? 113%। कितना परसेंट ज्यादा आई है? अब ज्यादा आने का कारण बताते हैं। अगर तुम इस कॉपी पे जब सिग्नेचर करते हो 5 बच्चे अपना नाम डबल लिख देना तो वो 5 बच्चे एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, तो इसी वजह से ये 13% ज्यादा काउंटिंग आ रही है, क्योंकि ये 13% वो लोग होंगे जो चाय में भी शामिल होंगे और तो ये 13% ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं चाय भी और कॉफी, और हमें इनकी संख्या दे रखी है चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? तो 13% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा 1% की वैल्यू। आपसे कह रहा हूं ऑफिस में टोटल सदस्य काम करने वाले हैं तो ऑफिस के टोटल सदस्य कितने परसेंट होते हैं? तो अगर हम 1% 4 बता चुके हैं तो 100% कितना हो जाएगा? 400। जब ऐसा कोई सवाल है ना कि प्रत्येक सदस्य कुछ पसंद करता है चाय कॉफी या कोई और भी चीज हो सकती है, तो आप ऐड करके देखा करो, ये देखा करो 100% लोग थे तो ये 113 हो रहा है, इसका मतलब ये 13% दोनों जगह काउंटिंग हुए। यहाँ कितना हो जाएगा? ये टोटल संख्या है, ये जो कॉमन वाइज